हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। आज मैं आपके साथ एक मस्त वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, यानी फैमिली ब्लॉग आज शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। देखिए, सुबह सुबह ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पर मेरे भांजी बहू बना रही है सबके लिए चाय। सबको अब सब सुबह सुबह अब सब लोग उठ चुके हैं, यानी जितना लोग नहाना था सब लोग नहा चुके हैं। अब यहाँ पर शाम भी अभी अभी उठाए। यहाँ पर देखिए मेरा बेटा गुड्डू सो रहा है, वो तो उठने के नाम नहीं लेता है। 8:30 बजे तक लेता रहता है। यहाँ पर मेरे भंजा अब सब लोगों को मॉर्निंग बोल रहा था। यहाँ पर मेरी हस्बैंड और भंजा बैठकर थोड़ी सी बात कर रहे हैं। सुबह सुबह हमारी घर की इसी तरह की हालत होती है। यहाँ पर देखिए मेरी देवरानी पूजा करके आ चुका है, पूजा भी हो चुका है। यहाँ पर मेरी ननद दोनों कुछ बातें कर रहे थे। यहाँ पर दोनों मामा और भंजा के बीच में आ गए हैं मेरी ननद यहाँ पर खड़े होकर कुछ भी बात सब लोग मिलकर बातें करते हैं। यहाँ पर मेरी भांजी बहू अपनी बेड को साफ कर रहा था। अब मेरी तो बेडरूम बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पर मेरी बेडरूम को मेरी भांजी बहू को मैंने यहाँ पर रहता है, तो यहाँ अब उसी इस बेड की आप लोग व्यू भी आप लोग देखते होंगे। देखिए यहाँ पर देवरानी पूजा करने के बाद आ गई थी। बेटे की एग्जाम चल रहा था, उसको थोड़ी सी क्वेश्चन नोट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर शाम भी आ चुका है। सारी काम सुबह सुबह ब्रश वगैरह करके बिस्किट खा लिया था। अब एग्जाम के लिए यहाँ पर बैठने के लिए आ चुका है, यानी उसके मामा के पास ही बैठेगा। मामा और बेटे बैठकर एग्जाम आज देने वाले हैं। उसके बाद आज सुबह सुबह ज़्यादा कुछ ब्रेकफास्ट हमने नहीं बनाई थी। ब्रेकफास्ट में बना था मैगी। यहाँ पर देखिए उस तरफ आपने बहू को देखा, तो इस तरफ देखिए सासूमा बेड को साफ कर रही है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। तो आप लोग वीडियो को आज फुल एंजॉय करिए। बिल्कुल फैमिली ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए मेरी हमारी दीदी यानी मेरी ननद बेड को साफ कर रहा था। मुझे बोला था ये सब बंद करके खाना बना लो सबके लिए। मैंने बोला था आज कुछ खाना नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, यानी मेरी हस्बैंड, मेरे बेटा, मेरा देवर और यहाँ पर मेरी भंजा बैठ कर कुछ बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पर आ गई लंच की तैयारी। अदरक लहसुन का पेस्ट, इस कटोरी में थोड़ी सी 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 2 दालचीनी, हरी इलायची, 1 चम्मच पोस्तों को मैंने यहाँ पर गर्म पानी में भिगाकर छोड़ देती हूँ। कुछ देर के बाद मैं इसका एक पेस्ट बना। अब हम मटन को मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अब हम डाल देंगे उसमें नमक। दो तेज़पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, मस्टर्ड ऑयल। सबको डालने के बाद हम उसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। आधा घंटा यानी 1 घंटे के लिए छोड़ देती है दीजिए। अब मैं ढक्कन लगाकर उसको छोड़ देती हूँ। अब आज यहाँ पर मैं सारी मसाला बनाने के बाद कढ़ाई को गर्म करके उसमें डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दिया 1 चम्मच चीनी। अब सारा खड़ा मसाला यहाँ पर डाल देंगे, जैसे जीरा, काली मिर्च, तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, लौंग, सबको डालकर थोड़ी देर हम उसको भून लेते हैं। यहाँ पर सारे खड़ा मसाला को भूनने के बाद देखिए धीरे धीरे हम जो चीनी डाले थे उसमें बबल्स भी आ चुका है, कैरमलाइज हो चुका है। तो यहाँ पर डाल देंगे बारीक से कटी हुई यानी लंबे लंबे साइज में कटी हुई प्याज, बिल्कुल पतला पतला साइज में काट लीजिए। उसके बाद हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से हमारी प्याज फटाफट सॉफ्ट हो जाती है, यानी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिलजुल जाते हैं। यहाँ पर जो पेस्ट मैंने बना भिगा कर रखी थी खड़ा मसाला को, उसमें थोड़ी सी 4-5 सूखी लाल मिर्च को बॉईल कर लिया था, उसको डालकर एक पेस्ट बना लिया। बिल्कुल टेस्टी मटन बन रहा है आज देसी स्टाइल गाँव में जिस तरह बनती है। देखिए यहाँ पर प्याज में अभी अभी नमक मैंने डाल दिया और थोड़ी देर के बाद प्याज अच्छी तरह हमारा भूनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं 4 चम्मच डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि यहाँ पर 1.5 केजी मटन बनना है, क्योंकि घर में सिर्फ मुझे और शान को छोड़कर सब लोग खा लेंगे मटन, हम नहीं खाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी और नमक मैंने डाल दिया। उसके बाद इसको अच्छी तरह हम भूनकर रेडी कर लेंगे।
आंच को बिल्कुल धीमा करके मसाला को भून लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा कश्मीर लाल मिर्च डालकर हम थोड़ी देर मसाला को भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ पर देखिए जो पेस्ट हमने बनाए थे, जीरा, धनिया, हरी इलायची, दालचीनी, सबका पेस्ट हमने यहाँ पर डालकर मसाला को अच्छी तरह भूनकर ऑयल रिलीज होने तक भूनकर रेडी कर लीजिए। आप लोग यहाँ पर देखिए धीरे धीरे ऑयल भी रिलीज हो चुका है। अब हम उसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ मटन। मटन को अच्छी तरह मिक्स करके हम मसाला के साथ भून लीजिए। आप लोग यहाँ पर देखिए मटन का जब तक मटन से पानी नहीं सूखता है उसी टाइम तक हमको मटन को अच्छी तरह भूनना चाहिए। मटन, चिकन जो नॉनवेज की चीज होती है ना, यानी सब्जी हम करी बनाते हैं, उसका अच्छी तरह हमको भूनकर रेडी करना चाहिए कि नहीं तो उसका जो फ्लेवर होती है ना बिल्कुल खाने के टाइम आ जाते हैं। इसी वजह से हम गैस को थोड़ी सी धीमा करके सारी नॉनवेज को हम अच्छी तरह भूनकर ऑयल रिलीज होने तक हम उसको भूनना चाहिए। यहाँ पर मटन में पानी रिलीज होने के बाद देखिए धीरे धीरे ऑयल भी रिलीज हो चुका है। पानी सूखने के बाद ऑयल भी रिलीज हो रहा है। तो इसी तरह मटन को भूनते रहिए। आज हम मटन आलू की ग्रेवी बना रहे हैं क्योंकि मटन में आलू डालने से हमारी मटन भी टेस्टी बनती है। आप लोग एक बार आलू डालकर बनाइए। मैं तो किसी के वीडियो पर देखी थी मटन में अरबी भी डाल दिए थे, लेकिन हम लोग अरबी नहीं डालते हैं। यहाँ पर आलू को हम फ्राई कर ले, अच्छी तरह डीप फ्राई करके हम उसको डालते हैं क्योंकि जो स्किन होती है आलू के ना बिल्कुल टेस्टी लगती है। इसी तरह मटन में डालने से यहाँ पर मटन आलू को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद ढक्कन लगाकर और 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देती हूँ। गैस को बिल्कुल धीमा करके पकाइए। अब देखिए मैं मटन को थोड़ा सा प्रेशर में निकाल लिया क्योंकि मेरे प्रेशर छोटा सा था, इसी वजह से नहीं इसमें सारी मटन नहीं जाएगा। और उसमें गर्म पानी डालकर 2-3 सीटी दे लेती हूँ। उसके बाद जब ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीज हो जाएगा मैं ढक्कन खोलकर उसको चेक करूंगी। यहाँ पर देखिए प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज हो चुका है। मेरी मटन के कलर कितनी सुंदर आए। अब हम उसमें डाल देंगे हरा धनिया और दालचीनी की पाउडर। यहाँ पर हरी इलायची की पाउडर मैं ही नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं कभी भी मटन की जो मसाला रेडीमेड मसाला मिलता है मैं उसको नहीं डालती हूँ, सिर्फ दालचीनी और हरी इलायची डालती हूँ। लेकिन आज मैं बिल्कुल सिर्फ दालचीनी की पाउडर मैंने डाली थी। यहाँ पर हमारी लंच भी रेडी हो चुका है। ठीक है ମାମୁଁ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଚା ନା କଫି ଲଞ୍ଚ କେ ବାଦ व्यू। तो आज हमारी लैंग्वेज में थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का वीडियो का मैं यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। नहीं